नहीं नहीं कोई कुर्बानी वाली बात नहीं, आना ही था। मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं कोर्ट ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरा तो यहाँ रहना जरूरी है, तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया और यहाँ आया। साहब क्या कहेंगे, बीजेपी कांग्रेस आज मिल गए हैं क्या? नहीं माशाल्लाह, आज जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर, भाईचारे का पैगाम है जो हम सब लोग का, हर मजहब मिल्लत के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे और हमारे इस्लामिक सेंटर में भी अमन रहे। शुक्रिया। बस सब मिलजुल के लें, मोहब्बत से रहें, खुशियाँ मनाएं, हिंदुस्तान में अमन अमान कायम हो, सब मिल के त्यौहार सबके मनाएं और एक मिसाल कायम करें। कड़वाहट कैसे दूर होगी, ईद के दिन तो कोई रास्ता निकालिए। कौन सी कड़वाहट का कड़वाहट कौन सी, आजकल तो खीरे भी मीठे आ रहे हैं, खीरे की भी कड़वाहट खत्म हो चुकी। अब आप कौन सी बात कर रहे हैं कड़वाहट की, वो बताएं तो मैं बताऊं। आप लोगों में आपस में मेंबरों में कितनी कड़वाहट है, ब्यूटीज में? मेंबरों में कोई कड़वाहट नहीं, ये तो समझने वाले और देखने वाले की बात है। मेंबरों में कोई कड़वाहट नहीं है। वोट डालना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को अपोज करना, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कड़वाहट नहीं कही जा सकती। नहीं, हमारा मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है। जब इलेक्शन होता है तो पार्टीज भी बनती है, धड़े भी बनते हैं, सारी चीज़ें। और ऐसा ये IIC का जो हमारा इलेक्शन है, ये अच्छे एटमोसफेयर के अंदर होगा और इसके अंदर हमें उसका एहतराम कर, जो भी रिजल्ट आया उसका एहतराम करना चाहिए, दैट्स ऑल। नहीं, मिर्च तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपस की बातचीत को मिर्च कहा जाएगा तो मिर्च ठीक नहीं। सेवैयाँ हैं, सेवैयाँ रही हैं, हमेशा सेवैयाँ मीठी होती हैं और इस सेंटर से मिठास का संदेश जाता रहा है, हारमनी का संदेश जाता रहा है, बंधुत्व का संदेश जाता रहा है, देश को जोड़ने का संदेश जाता रहा है, डेवलपमेंट का संदेश जाता रहा है, वो हमेशा जाएगा। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, ये एक समय है, ये शांत हो जाएंगी और हम सब लोग मिलके देश की उन्नति के लिए, कम्युनिटी की उन्नति के लिए, तमाम लोगों की उन्नति के लिए मिलके काम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। यही संदेश इस्लामिक सेंटर का है। सभी को ईद मुबारक जी, यही सबसे बड़ा संदेश है। सब में प्यार हो, मोहब्बत हो, आपस में सौहार्द हो, यही संदेश है। आज आपको शायद चंडीगढ़ जाना था, आप वो सफ़र छोड़ करके ईद में शामिल होने आए हैं, बड़ी कुर्बानी दी है आपने। नहीं नहीं कोई कुर्बानी वाली बात नहीं, आना ही था। मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं कोर्ट ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरा तो यहाँ रहना जरूरी है, तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया और यहाँ आया हूँ। सर, इस्लामिक सेंटर अकेला सेंटर है जो सभी धर्मों को सेलिब्रेट करता है, सभी त्योहारों को, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, सभी को मिलजुल के हमने देखा, नया दिवाली मनाई, गुरु नानक बर्थडे मनाया और आज ईद भी मना रहे हैं, और ये अच्छा है। भारत में सारे धर्मों का आदर सत्कार होना चाहिए जो यहाँ होता है। पंत साहब क्या कहेंगे, बीजेपी कांग्रेस आज मिल गए हैं क्या? नहीं माशाल्लाह, आज जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जो हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया का एक जो है सांप्रदायिक सौहार्द का एक सेंटर है, केंद्र है। और यहाँ पर ईद ही नहीं, यहाँ पर दिवाली मिलन भी मनाया जाता है, यहाँ पर गुरु पर्व भी मनाया जाता है, यहाँ पर क्रिसमस की मनाने की भी धूम रहती है। और आज जो है ईद मिलन का, सब मिलकर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ना यहाँ कोई पार्टी है ना पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ जो है ईद मिलन और मोहब्बत का पैगाम देने वाला जो हमारा फेस्टिवल होता है। चुनाव में कांग्रेस बीजेपी भूल गए सारी चीज़ों को, अब साथ बैठ गए ईद के दिन? नहीं, ईद के दिन तो हम सब एक है ना, वो तो इसके गेट से निकलने के बाद में हमारा अपना अपना जो है जिस जिस पार्टी से रिलेटेड है वो अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब हम सेंटर में आते हैं तो यहाँ भी मिलकर जो ईमानदारी से ही काम करते हैं। तो मैं आपका एक चैनल जो है और ख़ास तरीके से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो पल्स अगर कहीं नज़र आती है तो हमारे वतन समाचार में नज़र आती है, तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सभी हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं। और आप सब भी जो है आज ईद की जो है सेवैयाँ खाइए और खूब अच्छे से एंटरटेन करिए, आज राजनीति नहीं, ईद मिलन का दिन है। परवेज साहब, चुनाव चल रहा है, ईद के दिन बीजेपी कांग्रेस एक मंच पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये इस्लामिक सेंटर जो है ये तहजीब का गहवारा है, ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी
खास का है, ना ही किसी धर्म और जाति के लोग, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। इंडिया इस्लामिक सेंटर जो है अलग अलग मौके पे, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग जो फेस्टिवल हैं उसके लिए ये लोग मिलन का प्रोग्राम करते रहते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है ताकि हम सब भाई मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को के करीब आते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के जो गैप है वो ख़त्म करके वो कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे से मिले, बात करें, अलग अलग आइडियाज़ पे बात करें। रिलीजन में अगर कोई गैप है किसी तरह का तो एक तरह से वो डायलॉग जो कहते हैं ना, इंटरफेथ डायलॉग का एक ये प्लेटफॉर्म है जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर देती है, तो हम सब उसको इंजॉय कर रहे हैं। रही बात बीजेपी कांग्रेस की, खूब लड़ेंगे, चुनाव है भाई, देश को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, संविधान को बचाना। चुनाव पर ईद तो भारी पड़ गई ना? नहीं, ईद तो देखिए, ईद तो ईद है, त्यौहार को तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन त्यौहार भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और साथ ही साथ जो है चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। चुनाव अपनी जगह, जब हम मंच पे होंगे तो इरफान भाई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, हम अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब आप किसी बड़े नेता का जब कॉन्डोलेंस मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, तो आप देखते होंगे एक ही लाइन में मोदी जी भी खड़े होते हैं, उसी लाइन में राहुल गांधी, सोनिया जी भी होते हैं। ऐसे आप, यही नहीं, आपके कई चैनल के डिबेट पे जब डिबेट होता है तो भाजपा कांग्रेस सभी पार्टी के लोग उस मंच पे खड़े होते हैं, बात अपनी अपनी रखते हैं। चूंकि आज मौका है ईद का, ईद मिलन का, तो हम सबको लगता है सारी तलखी को भुलाकर ईद को इंजॉय करें, ईद के मिठास को इंजॉय करें और भाईचारा फैलाएं। तलखियां तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई पर्सनल तलखियां हैं, बहुत से इश्यूज हैं और ये एक बदकिस्मती रही कि वो इश्यूज बजाय आपस में बैठ के तय होते मामला कोर्ट्स तक पहुंच गया, मगर अब सिचुएशन बहुत सी क्लियर हो गई है और मुझे लगता है कि आगे हालात बेहतर होंगे। सर, दिल मिलाने के लिए आप लोग क्या पेशरफ करेंगे? दिल मिलाने के लिए ये पेशरफ है कि ईद से अच्छा मौका तो कोई और है नहीं, तो आज सब मिलजुल कर इसका सेलिब्रेशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग, अगर किसी के दिल में कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी उनको भुलाकर आगे बढ़ें और सेंटर की यूनिटी के लिए, तरक्की के लिए काम करें। और बहुत चहल पहल और रौनक लग रही है माशाल्लाह, इलेक्शन के पहले की ईद का है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मानना यह है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये सालाना प्रोग्राम जो ईद के मौके पे किया जाता है बहुत ही काबिल सताइश है और इसकी जो है जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस बहाने से हम सब लोग मिलते हैं, बस ईद की मुबारकबाद है सबसे पहले तो, और आज ईद मिलन की पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत काफ़ी रौनक है, प्रोग्राम है और जहाँ अहमद साहब हो वहाँ तो बात ही कुछ अलग है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और पहली बार देख रहे हैं कि सुकून वाला, इत्मीनान वाला और बड़ा प्रोग्राम है और सारे लोग आए हुए हमारी तरफ, सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, शुक्रिया आपका भी और सभी लोगों।